फिश एंड चिप्स, लेकिन नोटिस नोटिस नहीं किया शायद, ये स्मॉल है, फिश काफी छोटा है। ये चिप्स एंड फिश है। हाँ, ये चिप्स एंड फिश है, ठीक है। और बीच में बहुत, बीच में कितना एंजॉयमेंट हुआ, अभी भी चल रहा है। रोहन का तो पानी में जाओ तो वो सब कुछ भूल जाता है, बहुत एंजॉय किया। तो दो बीच जाने का, तीन बीच जाने का जैसे प्लान था, लेकिन यहीं पे काफी टाइम हो गया है अभी, तो सोचो एक बीच हम कैंसिल करेंगे और एक बीच में जाएंगे, क्योंकि बीच है सब ऑलमोस्ट सेम है। और ये सैंड बीच है, तो और एक चीज मैं बता दूं, ये जो साउथ ईस्ट पार्ट है इंग्लैंड का, तो ये एक्चुअली फ्रांस और यूके का बॉर्डर है, तो यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा। तो कल हम जहाँ पे जाएंगे डोवर क्लिफ, तो वहां से मतलब अगर स्काई क्लियर रहता है तो वहां से फ्रांस का एक आइलैंड दिख सकता है, अगर मतलब क्लियर स्काई रहता है तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो ठीक है, अभी कर लेते हैं लंच, उसके बाद हम और कुछ देर बैठेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। नाउ इट विल नॉट सोक, यस। तो मार्केट से तो हम निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं बॉटनी बे, बस वही लास्ट है, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे। अभी ऑलमोस्ट, तो अभी बज रहे हैं 5:43, तो यहाँ से 10 मिनट्स की डिस्टेंस है, तो वहाँ पे जाएंगे। सेम ही है ऑलमोस्ट, सैंड बीच ही है। यहाँ पे तो हम बीच में ही थे और टेंट लगाया था इसलिए, और वहाँ से उठने का मन भी नहीं हो रहा था। अच्छा था, सेम ही होगा शायद, लेकिन फिर भी आए हैं तो देख के जाते हैं। ये है बॉटनी बे और ये सच में बहुत ही खूबसूरत सी बीच है। मतलब पहले वाले में जितना ज़्यादा क्राउड था, अभी तक तो यहाँ पे काफ़ी शांत है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सामने ग्रास एरिया भी है, चाहे तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, चेयर्स है। बीच काफ़ी दूर है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये देखो, ये बना है रोहन्स कैसल, फैंटास्टिक बना है। तो आज क्या यहीं पे रह जाए रोहन, यहीं पे रुक जाते हैं, हाँ आपके कैसल में।
इस बीच का पानी पहले के बीच से काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, और अभी जैसे इवनिंग का टाइम भी हो गया है और खाली भी है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीछे पूरा है लाइमस्टोन क्लिफ, ये यहाँ से पूरा इस बीच के पीछे। तो बस हो गया है बीच ट्रिप खत्म, अभी घर की तरफ। लेकिन सच में इस बीच में तो हमने ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज वगैरह कुछ था नहीं, सिर्फ बैठे हुए थे। और हाँ, रोहन और उसके पापा ने बनाया है रोहन्स कैसल। तो रोहन एक्चुअली बहुत टाइम से डिगिंग ही कर रहा था और उसे लगा कि वो कैसल बनाने में उतना, मतलब उतना अच्छा वो नहीं बनाता, इसलिए पापा ने भी थोड़ा सा साथ दिया। तो दोनों मिल के बस बनाए हैं। अभी 7:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो ये भी लाइमस्टोन क्लिफ है सारे। रोहन चलो